शहर के चौक चौराहों में लग रहे घंटों जाम तथा ओवर स्पीडिंग की वजह से हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार ने यातायात पुलिस को नई इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराई है, जिससे वाहनों की तेज गति को मापते हुए उसे कम कराया जा सके तथा अपराधियों को पकड़ने में भी पुलिस विभाग को आसानी हो सके। जिसके तहत इस इंटरसेप्टर वाहन में साउंड मीटर, स्पीड रडार सहित अन्य कई तकनीकी व्यवस्थाएं बनाई गई है। बताया जा रहा है कि वाहन में लगे कैमरों की सहायता से यातायात पुलिस 300 मीटर की दूरी से वाहनों की नंबर प्लेट में लिखे नंबर आसानी से पढ़ सकेगी। वहीं 800 मीटर की दूरी से ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों को भी मापा जा सकता है, जिसके बाद में उनकी गति पर सुधार करने का काम आसानी से हो सकेगा। इसके अलावा इस वाहन की तकनीकी सुविधाओं के चलते रात में भी सुगमता के साथ यातायात पुलिस को कार्यवाही में आसानी होगी। वहीं पुलिस की माने तो सड़क दुर्घटनाओं की मुख्य वजह वाहनों की ओवर स्पीडिंग होती है, जिसके कारण गति को रोकने यातायात पुलिस का यह इंटरसेप्टर वाहन काम आएगा। दरअसल पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश के 33 जिलों को यह इंटरसेप्टर वाहन प्रदान की गई है, जिसमें रीवा को भी शामिल किया गया है तथा अन्य बड़े शहरों के मुकाबले अब रीवा भी तकनीकी सुविधाओं से लैस इंटरसेप्टर वाहन के कारण अपराध रोकने में कामयाब होगा। यातायात पुलिस की इंटरसेप्टर वाहन को आज रीवा कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ हरी झंडी दिखाई गई है, जिसके बाद अब ये वाहन सड़कों पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों पर कार्यवाही भी करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि एक्सीडेंट में जो मृत्यु दर है उसमें काफी बड़ी संख्या तेज गति से वाहन चलाने के कारण हो रही है, उसे देखते हुए जो विश्लेषण किए गए उसके पश्चात ये वाहन एक तैयार किया गया है। अब इसकी आज शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से तेज गति से वाहन चलाने वालों पर नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। हमारे 3 लोग इसकी ट्रेनिंग करके अभी आए हैं भोपाल से, और वो अन्य लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे, और आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। और इसके माध्यम से एक्सीडेंटल डेथ को कम करना, विशेष रूप से तेज गति वालों को, हम लोगों का एक प्रयास रहेगा। मध्य प्रदेश में 33 वाहन विभिन्न जिलों में आए हैं, जहाँ पर जो डाटा तैयार किया गया था, जहाँ पे तेज गति से वाहन से डेथ हो रही है, अभी पहले चरण में उन 33 जिलों को शामिल किया गया है, और मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और कुछ पॉइंट हम लोग और होमवर्क करेंगे, तो सेकंड व्हीकल भी अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो हम लोग उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ये हम लोग इसको ना सिर्फ शहरी अपितु हाईवेज पर भी, जो हमारे 4-lane हाईवे हैं आउटर एरिया में, वहाँ भी इसका उपयोग लगातार करते रहेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए रीवा से ब्यूरो रिपोर्ट। We'll be right back.